बिस्म लाइ रखमान रही सो वी वर डिस्कसिंग इन डेरीवेटिव न्यू डेरिवेटिव दैट वाज ऑप्शंस तो इसमें हमने दो टर्म्स की बात की थी कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शन हमने थोड़ा सा उसको ब्रीफली डिस्कस किया था सो वी विल डिस्कस इट एंड लर्न इट इन मोर डेट बिकॉज ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एरिया है और इसके साथ ही हम इसकी मनीनेस की भी बात करेंगे मनीनेस का भी एक कॉन्सेप्ट अभी आएगा सो वी विल डिस्कस राइट देयर इलस्ट्रेशन ऑफ कॉल ऑप्शन कंसिडर कॉल ऑप्शन इफ

उसकी एक्सरसाइज प्राइस जो है दैट इज सिक्स एक्सरसाइज प्राइस क्या होगी कि जिस प्राइस पे हम ट्रांजैक्शन कर सकते हैं दैट इज कॉल्ड एक्सरसाइज प्राइस इसका एक दूसरा नाम स्ट्राइक प्राइस भी होता है सो दैट मीन्स वी कैन बाय थाउजेंड शेयर्स एट द रेट ऑफ सिक्स डॉलर्स और उसकी अब उस, हमारे पास ये ऑप्शन है कि हम छः का ले सकते हैं मार्केट वैल्यू उसकी कुछ भी हो हमारे पास ये चॉइस है कि हम छ का मिल सकता है हमें नोट दैट बायर विल एक्सरसाइज ऑप्शन ए फ द प्राइस इज मोर देन सिक्स लॉजिकल बात है अगर हमें मार्केट में इससे ज़्यादा महंगा होगा तब भी हम छः रुपये में लेने में इंटरेस्टेड होंगे अगर मार्केट में इससे सस्ता होगा और हमारे पास चॉइस होगी तो वी विल नॉट बी वेरी हैप्पी टू गो एंड बाय डाटा हायर रेट इफ़ कंपनी ए शेयर एट एक्सपायरेशन इज सेवन डॉलर पर शेयर सेवन पाउंड जो भी करेंसी जिसमें हम बात करें पाउंड में है तो सात पाउंड का है और हमने लॉक किया हुआ है सिक्स पे तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल है यस इट इज क्योंकि हम छे का ले सकते हैं मार्केट में वो सात का है तो व्हाट वी डू इज वी बाय थाउजेंड शेयर सिक्स के हिसाब से सिक्स थाउजेंड हम पे करेंगे और हम थाउजेंड शेयर एक्वायर कर सकते हैं और मार्केट में इस वक्त वैल्यू रेट क्या था सेवन तो वी कैन इमीजिएटली सेल दोज इन मार्केट फॉर सेवन डॉलर्स और हमें वन पर शेयर का गेन हो गया यानी कि थाउजेंड पाउंड्स का गेन हो गया इसमें डेफिनेटली कॉस्ट को हम फॉर सिम्पलिसिटी एज्यूम कर रहे हैं कि अभी नहीं है बट इसकी एक ट्रांजेक्शन कॉस्ट होगी कुछ उसकी ऑप्शन की प्रीमियम होगा बट थ्योरेटिकली कॉन्सेप्ट समझने की बात है कि छः पे हमने लॉक किया हुआ था छः पे हमने ले लिया मार्केट में हमने जो हायर रेट था उस पर बेच दिया तो सेलर कॉल ऑप्शन अब जो सेलर है उसके लिए जिम्मेदारी है कि उसने छः का देना ही देना है बिकॉज उसने हमारे साथ ये एक एग्रीमेंट एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है कि आई विल गिव यू एट सिक्स इसके लिए उसने शुरू में कुछ पैसे लिए होंगे अब अगर वो उसने अच्छी कैलकुलेशन की हुई ही विल हीविन विनिंग द सिचुएशन तो वो ही कुड हैव मेड मनी बट इस केस में जैसे प्राइस बढ़ गई है तो ही विल बी लूजिंग मनी तो ये तो विन लॉस की सिचुएशन जो राइटर है उसको रिस्क ये रहता है जो बायर है उसके पास चॉइस होती है कि वो चाहे तो एक्सरसाइज करे ना चाहे तो एक्सरसाइज ना करे लेकिन जो सेलर है उसके लिए मस्ट है कि इफ आई वांट टू बाय इट देन दे मस्ट गिव इट टू मी इफ कंपनी शेयर प्राइस इज लेस देन सिक्स आई हैव राइट टू बाय एट सिक्स और मार्केट में वो चार डॉलर का है पाउंड का है या पांच पाउंड का है तो इट विल नॉट मेक सेंस टू बाई इट एट सिक्स बिकॉन इट इज ऑलरेडी बींग सेलिंग इन मार्केट एट अ लो प्राइस तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि वी विल नॉट एक्सरसाइज आर ऑप्शन और उसको एक्सपायर कर देंगे और जो हमने सिर्फ प्रीमियम उसको पे किया हुआ है वो हमारी कॉस्ट इनकार होगी तो वो दूसरी पार्टी को फिर कोई उसमें पेमेंट नहीं होगी जो उसने पैसे पहले लिए हैं वो उसके लिए सारा उसका प्रॉफिट बन जाएगा तो दिट्स अ वेरी कैलकुलेटिव मैकेनिज्म जिसके थ्रू ऑप्शन राइट की जाती हैं और फिर जो लेते हैं वो भी एक स्ट्रक्चर वे में इस पर काम हो रहा होता है बिकॉज एन ऑप्शन बायर इज़ नॉट फोर्स टू एक्सरसाइज एन ऑप्शन वैल्यू कैन नॉट बी नेगेटिव या तो हमें जीरो होगा या कुछ पॉजिटिव होगा नेगेटिव नहीं हो सकती जैसे फॉरवर्ड्स में और फ्यूचर्स में यू कैन बी लूजिंग अ ऑफ मनी इसमें जीरो से नीचे आप नहीं जाते बिकॉज वैल्यू आपके पास चॉइस है इफ़ यू वांट टू एक्सरसाइज इट ओके इफ यू डोंट यू कैन नॉट एग्जाम्पल फॉर स्ट्रेट द इग्नोरिंग द प्रीमियम एंड ऑप्शन पे ऑफ इज नेवर नेगेटिव कि हमें हमने प्रीमियम को इग्नोर किया लेकिन प्रीमियम इज़ एन इंपॉर्टेंट पार्ट जो कि ट्रांजैक्शन के, के शुरू में जो राइटर है उसको मिलेगा और जो कॉल ऑप्शन खरीदने वाला है उसको वो प्रीमियम पे करना होगा बट इफ़ अ स्टॉक ऑप्शन सेलर अंडर एस्टिमेट द रिस्क अगर उसने राइटर ने अच्छा तरीके से कैलकुलेट ना किया तो उसको फिर काफ़ी ज़्यादा पेमेंट करनी पड़ सकती फॉर एग्जाम्पल ये सिक्स पाउंड वाला शेयर ट्वेल्व पाउंड का हो जाए तो जो कॉल ऑप्शन का राइटर है उसको छः पाउंड का नुकसान हो जाएगा हो सकता है उसने एक पाउंड शुरू में लिया हो सकता है पॉइंट फाइव पाउंड लिए हो तो बट उसके लिए जो अप साइड है वो कुड बी वेरी हाई तो इसके लिए बड़ी डिटेल कैलकुलेशन बैक बाय सपोर्ट होनी चाहिए तो ऑप्शन राइटर हैज़ टू बी वेरी केयरफुल एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है हमें इसको थोड़ा समझ लेते हैं आपकी हम इसी पिछली एग्जाम्पल से ही इसको रिलेट भी करेंगे इट्स कॉल्ड अ कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी वर्ड इज इन द मनी कॉल ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी इफ मार्केट प्राइज इज ग्रेटर दैन द एक्सरसाइज प्राइस जैसे अभी वो प्राइस उसकी सात डॉलर थी मार्केट वैल्यू और एक्सरसाइज प्राइस थी छः तो हम कहेंगे कि दिस कॉल ऑप्शन इज इन द मनी यानी कि इसको एक्सरसाइज करने में फ़ायदा है दैट इज इन द मनी कॉल ऑप्शन इज आउट ऑफ मनी इफ द मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस अगर पाँच का होता मार्केट में तो हम इसको कहते हैं इट इज़ आउट ऑफ मनी तो आउट ऑफ मनी को ऑप्शन को कोई एक्सरसाइज नहीं करता बिकॉज दैट्स नॉट मेकिंग सेट अगर आप हो सकता है इस वक्त आउट ऑफ मनी हो आगे जाके इन द मनी हो जाए बट एज एट वन पॉइंट दिस इज आउट ऑफ मनी सो एक इन द मनी एक आउट ऑफ मनी और अगर वो दोनों एट पार है मार्केट वैल्यू और स्ट्राइक प्राइस सेम है एक्सरसाइज प्राइस सेम है तो इसको हम कहेंगे ऑप्शन इज एट द मनी यानी कि बिल्कुल बराबर है इस केस में आप एक्सरसाइज करना चाहें तो कर भी सकते हैं ना भी करना चाहें तो इट्स योर चॉइस बिकॉज ये मार्केट में भी वही रेट है इसमें भी हमारे पास वही रेट है तो ये था कॉल ऑप्शन में जब पुट ऑप्शन में जाएंगे तो सिचुएशन विल रिवर्स पुट ऑप्शन इज सेट टू बी इन द मनी वो पुट ऑप्शन क्या थी राइट टू सेल तो वो इन द मनी कब होगी जब मार्केट प्राइस इज लेस देन द एक्सरसाइज प्राइस मेरे पास चॉइस है कि मैं एक शेयर पचास रुपये का बेच सकता हूँ तो मार्केट में अगर वो फोर्टी फाइव का है तो मेरे लिए फ़ायदेमंद है बिकॉज इट इज़ इन द मनी मैं अभी भी मार्केट से खरीदूँ पैंतालीस का पचास का बेच दूँ तो पाँच मुझे बच जाएंगे जब मेरे पास पहले ही पड़े हैं तो मैं पचास का बेच दूँगा तो आई विल बी गेनिंग सो इट्स रेफर टू एज इन द मनी आउट ऑफ मनी क्या होगा वेयर द मार्केट प्राइस इज ग्रेटर देन एक्सरसाइज प्राइस कि मैं तो बेच सकता हूँ पचास का मार्केट में वो ऑलरेडी फिफ्टी सेवन का ट्रेड हो रहा है तो इट इज़ आउट ऑफ मनी देर इज नो पॉइंट सेलिंग थ्रू द ऑप्शन आई कैन सेल इट इन मार्केट एट फिफ्टी सेवन दट इज आउट ऑफ मनी और अगर इट अगेन इट फिट्स एट द सेम पार लेवल पे हैं मार्केट प्राइस और एक्सरसाइज प्राइस सेम है तो हम कहेंगे द पुट ऑप्शन इज एट द मनी बिल्कुल बराबर है एक्सरसाइज करना चाहें तो कर लें अदरवाइज इट्स योर पर्टिकुलर चॉइस तो ये जो चीज है इसको हम कहते हैं मनीनेस ऑफ द ऑप्शन के ऑप्शन इस वक्त तो जितनी ज्यादा मनीनेस होगी जितनी ज्यादा इन द मनी होंगी वो महंगी होंगी एट द मनी थोड़ी उससे कम होंगी और आउट ऑफ मनी विल बी चीपर तो जो प्रीमियम या जो उसकी कॉस्ट होगी जो आप डिटरमिन कर रहे होंगे वो Base Kari Yogi, current money and as well as the future expectation. So this is about call and put option. Thank you.